राजस्थानी के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने सबसे अपनी कलम का लोहा मनवाया है। अपनी कृति लील तांस के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित डॉक्टर सेठिया ने अपनी एक रचना में तो यहाँ तक प्रमाणित किया है कि कलम की धार तलवार की धार से भी तेज होती है। एक ऐतिहासिक कथानक को मूर्त रूप देती उनकी रचना पातल और पीथल इसका जीवंत उदाहरण है। वीणा कैसेट्स जो राजस्थानी साहित्य और संगीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित है ने इसी रचना को आपके समक्ष प्रस्तुत कर राजस्थानी के इस सरस्वती पुत्र डॉक्टर सेठिया के प्रति सम्मान और अपने दायित्व बोध को दर्शाया है। श्री तापस घोष के संगीत संयोजन में भावानुरूप स्वर तथा अभिव्यक्ति देते हुए सुप्रसिद्ध गायक श्री सुमेरमल पुगलिया ने इसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। पातल और पीथल का कथानक इस प्रकार है। अरे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो तीख पड़ो राणा रो सोयो, दुख जाग्यो दुख जाग्यो, अरे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घसरी रोटी। सोनेरी थाळ्या नीलम रे
मन बिलावड़ो ले भाग्यो हरे घास रे रोटी। हल्दी घाटी का संग्राम पूरा हुआ। महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा। चेतक भी शहीद हो गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई। महाराणा जंगलों में इधर उधर घूम घूम कर मेवाड़ की रक्षा के लिए शक्ति संचय कर रहे थे। एक बार जब जंगली घास की रोटी बनाकर राजकुमार अमर सिंह को खिलाने ही वाले थे कि जंगली बिलाव उस रोटी को लेकर भाग गया। भूख से पीड़ित बालक अमर सिंह जब बिलखने लगा तो महाराणा प्रताप का मन बहुत विचलित हुआ। वे सोचने लगे कि मेवाड़ की आन बचाने के लिए वे कितना लड़े। शत्रुओं का रथ बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि प्यारा चेतक भी हल्दी घाटी की लड़ाई में शहीद हो गया। लेकिन उन्हें क्या मिला? आज जब राजकुमार को रोटी के लिए बिलखता हुआ देखते हैं तो बड़ी ग्लानी होती है। लगता है यह कैसा क्षत्रिय धर्म है जिसके कारण आज राजकुमार की यह दशा हो रही है। राजमहल में जो 56 भोग भी मनुहार के बिना नहीं किया करते थे, जो फूलों की शैया पर चला करते थे, आज हिंदुआ सूर्य के वही राजकुमार भूखे प्यासे भटक रहे हैं। यह सोच राणा की आंखें छल छल आई। वज्र के समान कठोर हृदय भी चूर चूर हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि वे अकबर को पत्र लिखेंगे। किंतु मेवाड़, हल्दी घाटी, चित्तौड़, केसरिया बाने की आन और आजादी की लगन के रहते वे ऐसा कैसे कर सकते थे? ए हाय जका करता पगला भूलारी कावली से जा पर ए हाय जका करता पगला लारी कावली से जा पर बयाज रुले भूकति सिया बयाज रुले भूकति सिया हिंदवाणे सूरज रटबर। सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती आख्या में खांसू भर बोलिया मैं लिख सू अकबर ने पाती पण लिखू किया जज देखे है आड़ावल ऊंचो ही ओ तोड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लियाचिया रे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो अरे घसरी रोटी। अमर सिंह की सिसकियां सुनकर उनका मन फिर विचलित होता है और वे पत्र लिखकर अकबर को बादशाह स्वीकार करते हैं। महाराणा का पत्र पढ़कर
अकबर अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता और उसे बार बार पढ़ता है। अकबर को आश्चर्य होता है कि क्या हिमालय पिघलने लग गया है, क्या सूर्य ठंडा पड़ने लग गया है, क्या शेषनाग का सिर डोलने लग गया है। यह सोच बादशाह विकल हो उठता है और पृथ्वीराज को तुरंत बुलाने के लिए दूत भेजता है ताकि इस भ्रम को दूर किया जा सके। बादशाह जानता था कि बीकानेर का यह राठौर पृथ्वीराज पक्का क्षत्रिय है, उसे राजपूत होने का गर्व है और वो महाराणा का पुजारी है। घावों पर नमक छिड़कने की मंशा से ही बादशाह ने पृथ्वीराज को बुलाया था ताकि महाराणा की हार वो स्वयं पढ़कर सुनाए। पृथ्वीराज के आने पर बादशाह ने कहा, हमने जंगली शेर को पिंजड़े में बंद कर लिया है। ये उन्हीं महाराणा के हाथ का लिखा हुआ पत्र है जिसकी तुम पूजा किया करते हो। अब देखता हूं तुम कैसे अकड़ोगे। मैं झुकू किया है आन मन कुलरा के सरिया बानारी, मैं झुकू किया है आन मन कुलरा के सरिया बानारी, मैं बुझू किया हूँ से सलपट मैं बुझू किया हूँ से सलपट आजादी रे परवानारी। पण फेर अमर रे सुन भूस क्या राणा रो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूँ दिल से तन सम्राट सने सो के वायो, राणा रो कागज बाँच हुयो अकबर रो सपनो सो साचो, पण नैण करो विश्वास नहीं जत बाँच बाँच न फिर बाँचो। रे घास रे रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घास रे रोटी
बांकुड़े पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो बोक्षात्र धर्म रोने में हो राणा रो प्रेम पुजारी हो बेरारे मन रो कांटो हो बीकानो पुत खरारो हो राठोड़ रणा मेरा तो हो बस सागी तेज दूधारो हो अरे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो अरे घसरी रोटी पात शाह जाने हो घावा पर लून लगावन ने आ बात पात शाह जाने हो घावा पर लून लगावन ने पीथल ने तुरत बुलायो हो प्राणारी हार बचावन ने हे बांध लियो है पीथल सुन पिंजरे में जंगली शेर पकड़ ओ देख हाथ रो कागद है तू देख्या फिर सीखिया कड़ अरे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो अरे घसरी रोटी। अकबर पृथ्वीराज से कहते हैं तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, झूठे ही गाल बजाते हो, महाराणा के भाट बनकर उनकी विरदावली गाते रहते हो। मैं आज धरती का बादशाह हूं, मेवाड़ी पाग मेरे पैरों में है, अब तुम ही बताओ किस राजा की रगों में रजपूती रक्त बह रहा है। पृथ्वीराज ने जब पत्र पर महाराणा की राजमोहर देखी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, आंखें छल छल आई, लेकिन तभी उसने संभल कर कहा, यह बात सरासर झूठ है, राणा की पाग सदा ऊंची रहेगी और उनकी आन अटूट है। उसने बादशाह से कहा कि इजाजत हो तो पत्र की सच्चाई मालूम करके देख लूं। बादशाह ने अपनी रजामंदी दे दी। मर डूब चलू भर पानी में बस झूठा गाल बजावे हो मर डूब चढ़ू भर पानी में बस झूठा गाल बजावे हो पण टूट गयो बीरान रो पण टूट गयो बीरान रो तू भाट बण्यो बिड़े दावे हो मैं आज पातशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगाम है अब बताम ने किन रजवट रे रजपूती खून रगाम है
खड़ का गदले देखी राणारी सागी सेनानी। जद पीथल का गदले देखी राणारी सागी सेनानी। नीचे सू धरती खसक गई, नीचे सू धरती खसक गई, आँखा में आयो भर पानी। पण फिर कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदाऊं जी, राणारी आण अटूटी है। अरे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घसरी रोटी। पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को लिखा, हमने आज सुना है कि जंगल का राजा शेर अब सियारों के साथ सोएगा, सूर्य बादलों की ओट में छिपा रहेगा, चातक धरती पर बहता हुआ पानी पिएगा, हाथी कुत्ते का सा जीवन व्यतीत करेगा। आपकी सौगंध हमने सुना है कि अब ब्रजपूति विधवा हो जाएगी और तलवार अब म्यान में विश्राम करेगी। यह सुन मेरा हृदय कांप उठता है, तनी हुई मूछे नीची हो जाती है। अब आप ही बताइए ये कहां तक सही है। हे आज सुनी है ना हरियो साड़ा रे सागे सोवेलो, हे आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओट्या खोवेलो, हे आज सुनी है चातगड़ो धरती रो पानी पीवेलो, हे आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री चूणा जीवेलो। वार रवैली अब सूती तुम्हारो हिवड़ो कांपे है, मुछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल ने राणा लिख भेज
हाथ कटे तक गिना सही। अरे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अरे घसरी रोटी पृथ्वीराज का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। इस कायरता के लिए वे स्वयं को धिक्कारते हैं। उनका राजपूत योज जागृत होता है और वे सिंह गर्जन के साथ कहते हैं, भूखा प्यासा रहकर भी मैं मेवाड़ धरा को आज़ाद रखूंगा। मैं चाहे मर भी जाऊं पर मातृभूमि का गौरव बनाए रखूंगा। मैं राजपूतानी का जाया हूँ, राजपूती धर्म का निर्वाह करूंगा। भले ही मेरा सर कट जाए, मैं बादशाह का मान मर्दन करूंगा। वे पृथ्वीराज को लिखते हैं कि बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो उगते सूर्य को रोक सके, सिंह के हाथ की मार सह सके। ऐसे किसी सियार ने जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पी ले ऐसी चातक की चोंच बनी नहीं है। कुत्तों की तरह जीने वाले हाथी की बात सुनी नहीं है। पीथलरा आखर पड़ता ही राणारी आँखियाँ लाल हुई। काल हुई ना हर रे एक दकाल हुई। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रवे। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रवे। हूँ भोर उजाड़ा मैं भटकूं पण मन में मारी याद रवे। रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती कर्ज चुकाऊला। ओसीस पड़े पण पग नहीं दिली रो मान झुकाऊला। अरे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अरे घसरी रोटी बादल री जोरों के सूर उगाली ने। पीथल के खिमता बादल री जोरों के सूर उगाली ने। सिंघारी हातल सेलेवे सिंघारी हातल
सैले वे बाकूख मिली कद शाली ने धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चूच बनी कोनी कुकररी जूना जीवे इसी हाथीरी बात सुनी कोनी इन हाथों में जब तक तलवार है तब तक रसपूती को भला कौन विधवा कह सकता है। ये तो म्यान की बजाय शत्रुओं के हृदय विदीर्ण करेगी। मेवाड़ तो धधकता हुआ अंगारा है, यह आंधियों में भी चमचमाता रहेगा। आप अपनी मूछें ताने रहिए, मैं बिना थके अकबर से लड़ूंगा, रक्त की नदियां बहा दूंगा और उजड़े मेवाड़ को बसा दूंगा। राणा का ये पत्र जब पृथ्वीराज के पास पहुंचा तो खुशी और जोश के कारण उसका सीना दुगना हो रहा था। हिंदुआ सूरज चमक रहा था और अकबर की दुनिया में अंधकार छा गया था। आहा था मैं तलवार थका कौन रान कवे है रजपूती आहा था मैं तलवार थका कौन रान कवे है रजपूती म्या नारे बदले बेरारी छात्या में रेवेली सूती मेवाड़ धधक तो अंगारो आंधा में चम 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 केलो कड़ खैरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़ केलो राखो थे मूछा ए छोड़ी लोही संदेश गयो पीथल री छाती दूनी ही हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही अकबर री दुनिया सुनी ही अकबर री दुनिया सुनी ही। सुप्रसिद्ध गायक सुमेरमल बुगलिया के स्वर में ये थी डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की रचना पातड़ और पीथल। राजस्थानी होने का गर्व भी है डॉक्टर सेठिया को, इसीलिए तो वे इस पावन धरती का गुणगान करते हुए इसके कण कण की महिमा गाते हुए इसे स्वर्ग से भी सुंदर बतलाते हैं जिस पर देवता भी विचरण करते हैं। सेठिया जी के इसी सुजस को वीणा के सेट्स आपको सुनवाकर अपने आप को